अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर से राम भक्त वहां पहुंच रहे हैं। कर्नाटक से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके रामलला के दर्शन के लिए उनके एक राम भक्त भी वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ये राम भक्त हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा में हैं। जानते हैं उनका क्या संकल्प है और क्यों पहुंचना चाहते हैं। इनका नाम मुत्तना तिरलापुर है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्यों जा रहे हैं। सर नमस्कार जी। मेरा नाम मुत्तना तिरलापुर है, गदग डिस्ट्रिक्ट रोन तालुक करकेकट्टी छोटा ग्राम। मेरा संकल्प है अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए। महात्मा गांधी जी का गीत है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये तो हमको बहुत परिणाम हो गया, इसके लिए मैं ये यात्रा शुरू करा। और एक खुश होता है मेरे को भी, ये यात्रा भी मेरा भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि लिए ये अयोध्या राम मंदिर पुण्य क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा पुण्य क्षेत्र है। इसके लिए मैं भी एक बार जाने का वो संकल्प करा, 2000 किलोमीटर जाने के लिए संकल्प करके मैं दिसंबर 9 तारीख को छोड़ दिया हमारा करकेकट्टी गाँव से। अभी यात्रा शुरू करा जी, आज प्रयागराज के आ गया जी। ये बताइए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी और आप भी उसी आदर्श को देख रहे हैं। हाँ जी, हमारा वो तत्व पालन आदर्श बहुत जरूरी है, आज ये लोगों की भी जरूरी है। वो तत्व आदर्श पालन बहुत शांति सहने ताल में अहिंसा मार्ग से जाने के लिए बहुत जरूरी है। वो हिंसा में करा तो भी बहुत नुकसान होता है, नष्ट होता है, और द्वेष होता है, सब भी होता है। द्वेष नहीं करने का, सबको प्यार करने का, सबके अच्छा रहने का, सबको सोशल वर्क करने का पड़ेगा, जरूरी करने का पड़ेगा। ये एक बार हम बोलते हैं सोच कर सोच, साथ क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा ना। इसकी भी आंखें बंद करते पूरे अंधेरे दिखाते, आंखें खोला तो भी उजाला दिखाते। इस तरफ से हम सोच कर जरा समाज में अच्छा करना पड़ता है, इसके लिए वो जरूर है। और ये महात्मा गांधी जी है कि नहीं, हम ऑल फ्रीडम फाइटर्स है ना, ये भारत देश के भी त्याग बलिदान हो गए ना, इसके सबका आदर्श पालन जरूरी है। आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा क्यों धारण की है। मैं महात्मा गांधी जी के तत्व आदर्श वो तो बहुत जरूर है, इसके लिए मैं महात्मा ये राम नाम जपा करता था, बार बार करता था। इसके लिए मैं ये अभी नहीं, हम कम से कम 15 साल हो गया ये महात्मा वेशभूषण से। मैं ऑल इंडिया में अभियान करा, मैं वो स्कूल को जाता है, बच्चों की भी अभियान करता है, और सामने रास्ते। ये बताइए आप जिस प्रदेश के हैं वहाँ के नेता एक सिद्धा रमैया है, वो तो बार बार सनातन धर्म को लेकर के बयानबाजी करते हैं, भगवान राम की बात नहीं करते हैं। आप उसी कर्नाटक से उनको क्या संदेश देंगे आप। तो कर्नाटक में सभी भी राम का ये ज्ञान है ना, वो जरूर है, सब भी भगवान एक है, इसके लिए वो पालन नेता लोग ऐसा आपके यहाँ का क्यों बोलता है। हाँ जी, आपके यहाँ का नेता लोग ऐसा क्यों बोलता है। नेताजी लोग का हम क्या बोले, कह सकता है। रास्ता भटक गया क्या, रास्ता भटक गया है क्या। रास्ता को हमारे को बहुत ये प्यार कर रहे, सभी गौरव दिया, सभी दिया। ये आपका संकल्प अच्छा है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आधुनिक गांधी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वहां जा रहे हैं। बीच बीच में ये अपने कुछ भक्तों से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इनका जो संकल्प है उसे किस रूप में देखते हैं आप लोग। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वेश में और पैदल यात्रा करके कर्नाटका से अयोध्या श्री राम के स्थापना और के कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कल ये शाम को प्रयागराज में संगम पर आए, इनको देख के ये लगा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। इस विषय से प्रेरित होकर के इन्होंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, इसलिए यह भाव लोगों के मन मन में जाए और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ही पूरे देश में राम राज्य कायम हो और राम का भाव जो था सबको सम्मति दे भगवान, कि सबको सम्मति मिले और देश का उत्थान हो, अहिंसा के मार्ग पर देश चले, ऐसा इनका आग्रह है, इनकी ये संकल्प पूरा हो, ऐसा हम लोगों का भी निवेदन है। तो आधुनिक गांधी का भी यही कहना है कि सबको सम्मति दे भगवान, कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें लगता है कि लोगों को सम्मति आएगी और महात्मा गांधी के बताए आदर्श पर चलते हुए आगे आने वाले समय में
राम राज्य की भी स्थापना होगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।